अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पांच नद टीवी। दोस्तों, आज तक एक हमारे पास मोबाइल आया है वीवो Y11। इसका पासवर्ड जो है वो भूल गया है। इसको ना हम कैसे आज अनलॉक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसको हम ले जाते हैं रिकवरी मोड में। ये देखें, हमारे पास ये रिकवरी मोड ओपन हो गया है। हम क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्लियर ऑल डेटा, उसके बाद हम इसे ओके करेंगे। जब हम ओके करते हैं तो कहते हैं कि ये अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड दें, उसके बाद ये ना रीसेट होगा क्योंकि हमें ये भूल गया है। तो आज हम इसे सेट करने वाले हैं, ठीक करने वाले हैं, तो हम इसे बंद कर देते हैं, शट डाउन, ओके। हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद हूँ। सबसे पहले हम क्यूकॉम ड्राइवर्स डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये सेट जो है, ये मोबाइल जो है, टूल के बगैर इसका ना ही लॉक खुलता है और ना ही ये FRP बाईपास होता है। तो सबसे पहले हम इसके ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट भी पिन कर दिया है। आप इस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने अपना ब्राउज़र कोई भी खोल लेना है। इसे आप पेस्ट करने के बाद आप इंटर कर देंगे अपने डाउनलोड QD लोडर ड्राइवर। आपने इस पर क्लिक करना है। ये 30 सेकेंड्स का टाइम मांग रहा है, आपने वेट करना है। Your download is ready। तो मैंने ये ड्राइवर पहले से ही डाउनलोड कर दिया है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, इसे कैंसिल कर दूंगा। इधर मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है ये ड्राइवर। आपने एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। आपने इस फाइल को ओपन करना है, ये वाली फाइल को, यस। उसके बाद ये कहेगा प्लीज चूज बिटवीन WWAN एंड ईथरनेट। आपने WWAN DHCP नॉट चूज टू गेट आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि ये मैंने पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, मैं ये आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट इंस्टॉल, ये कुछ ही सेकेंडों में इंस्टॉल हो जाता है। इजी है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद हम जो है ना, टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उसके बाद हम टूल को डाउनलोड करेंगे, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ब्राउज़र में पेस्ट करना है एंड देन इंटर। इधर आपने स्क्रॉल ऑन करना है। उसके बाद ये मेगा ड्राइव पे या फाइल N.io मिरर, आपने मेगा ड्राइव पे क्लिक करना है। वेट करना है। उसके बाद आपने सिंपली स्टैंडर्ड डाउनलोड पे
क्लिक कर देना है, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बात ध्यान में रखें कि आपका विंडोज डिफेंडर, विंडोज सिक्योरिटी जो है वो रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइल डाउनलोड नहीं होगी, ये रिमूव कर देगा, क्योंकि ये मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं। तो मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की तरफ, इसको आपने जो है एक्सट्रैक्ट फाइल इधर क्लिक करना है। ओके, क्यू कम टूल वीवो Y11, उसके बाद आपने क्यू कम टूल पे जाना है, उसके बाद आपने क्यू कम टूल को ओपन करना है। ये टूल जो है 3-4 मोबाइलों को है, ये फॉर्मेट डाटा भी करती है, उसके अलावा ये FRP बाईपास भी करती है। वीवो Y11, Y91, Y93, Y95, ओप्पो A53, Reno4, Reno5। नंबर वाइज ये मैंने डिवाइस मिला जो फॉर्मेट डेटा रिमूव FRP दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल को ईडियल मोड में डालेंगे। ईडियल मोड में डालने के लिए हम मोबाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका बैटरी कनेक्टर रिमूव करेंगे। बैटरी कनेक्टर रिमूव करने के बाद इसका ऊपर वाला ये प्लास्टिक रिमूव करेंगे, कनुमा होता है, ये रिमूव करेंगे। ये लास्ट वाले दो पॉइंट है, आपने इसको शॉर्ट करके रखना है और USB प्लग इन करनी है। चलते हैं कंप्यूटर के ड्राइवर की तरफ। ये पोर्ट्स के अंदर ये मोबाइल नहीं है। हम सबसे पहले USB साथ रखेंगे, सबसे पहले पॉइंट को शॉर्ट करेंगे ये वाले, और USB प्लग इन करेंगे। ये देखें QCOM HS USB लोडर किलोडर 9008 किया आ चुका है। और चलते हैं टूल की तरफ, हमने एक नंबर प्रेस करना है, एंटर, कनेक्ट टू डिवाइस। एक बात आपने याद रखनी है, जब ये SGPT पे है तो आपने दोबारा शॉर्ट कर देना है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। दो नंबर FRP वीवो Y11 इंटर SGPT ओके, डाउनलोडिंग बूट लोडर ओके, रिमूव FRP ओके, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये हमारा मोबाइल हो चुका है, हम USB प्लग आउट करेंगे। अपने बैटरी कनेक्टर लगाना है, और फोन को जो है ऑन कर देना है। ये देखें ये रेड एरर आ चुका है, द मशीन इज अबनॉर्मल एंड विल बी रिस्टोर्ड टू फैक्ट्री सेटिंग, ऑल यूजर डेटा इज क्लियर व्हेन द रिकवरी इज कंप्लीट। आपने क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने ओके, ये क्लीनिंग डेटा डू नॉट ऑपरेट।
ये 5 से 10 मिनट लेगा सेटअप पर जाने के लिए। आपने वेट करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट भी अच्छा सा कर दें। तो वीवो के जो भी नए नए मॉडल हैं वो हार्ड रिसेट जो है बगैर टूल के हो जाते हैं। जो पुराने मॉडल हैं वो बगैर टूल के हार्ड रिसेट वगैरह नहीं होते। ये देखें फोन टच ओएस खुश ऑन दी। आपने अपना फोन सेटअप करें, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जुबान को जुबान को सेलेक्ट करना है, इंग्लिश, आपने पाकिस्तान, उसके बाद एग्री। इधर स्किप का ऑप्शन आ रहा है वाईफाई का, आपने इधर क्लिक करना है। नेक्स्ट, स्किप, नेक्स्ट, स्किप। स्किप यूज नाउ। ये देखें हमारा फोन मुकम्मल तौर पर अनलॉक भी हो चुका है और उसके बाद ये FRP भी बाईपास हो चुका है। ये अब मोबाइल हमारे इस्तेमाल करने के काबिल हो चुका है। कंप्लीट सेटिंग्स ये देखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। शुक्रिया।